हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आज की इस क्लास में, आज की इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये हमारी जो है 45 डेज चैलेंज की सेकेंड क्लास होने वाली है। पहली क्लास कुछ टेक्निकल एरर के कारण स्टॉप हो गई थी बीच के अंदर, इसीलिए हमें उसे वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा। आज इस क्वेश्चंस के अंदर हम कुछ आज इस लेक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी नॉर्थ सेट के लिए, डीएसएसबी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन बहुत ही ईजी होंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज का आंसर आपके टिप्स के भी होगा। आज के जो क्वेश्चंस होंगे, आज का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर, वो कॉन्सेप्ट आपको रटना है, समझना है। चाहे रटो, चाहे समझो, चाहे लिखो, ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। आगे बस इसमें चलिए, आज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से उसका क्या करना, जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द नर्स इज प्रिपेयरिंग एन इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरिन। नर्स एक प्रिपेयर कर रही है इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरिन को, एक ड्रिप लगानी है ऑन द क्लाइंट विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब कि एमआई का पेशेंट है, उसको नाइट्रोग्लिसरिन की ड्रिप लगानी है इन द एब्सेंस ऑफ इनवेसिव मॉनिटरिंग लाइन। इनवेसिव मॉनिटरिंग लाइन नहीं है एंड द नर्स प्रिपेयर टू हैव विच पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर यूज एट ए बेड साइड। कि आपको ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो कि बेड साइड रखना ही पड़ेगा, ऐसा कौन सा, मतलब कि नाइट्रोग्लिसरिन देने से ऐसी कौन सी कंडीशन अराइज होगी जिससे आपको क्या होगा कि वो डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल सकती हैं और आप क्या कर सकते हो उस चीज का, कि आपको वो इक्विपमेंट तो चाहिए ही चाहिए। आगे बस इसमें चलिए, अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं यहाँ पे, दोनों चीजें आपको समझनी है और फिर ही उनका क्या करना है, आंसर करना है और समझना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, ध्यान रखना। बीपी जो होता है, बीपी नापने के दो तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो कैसा होता है, नॉन इन्वेसिव मेथड होता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, इन्वेसिव मेथड होता है। अब भैया इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव में नाम से ही पता लगता है कि इन्वेजन डाल के, मतलब कि आर्टरी को, आर्टरी लाइन के अंदर आपने अगर कहीं भी हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया हुआ है तो आपको 100% इसके बारे में पता होगा। देखो, नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है NIBP, इसको बोलते हैं NIBP। NIBP का बहुत बार नाम सुना होगा, नॉन इन्वेसिव। NIBP की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, एक बार CHO का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछी गई थी कि NIBP की फुल फॉर्म क्या है। काफी बच्चों को ये पता नहीं है क्योंकि बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। NIBP की फुल फॉर्म होती है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। जो आप बीपी कप बांध के क्या करते हो, ब्लड प्रेशर नापते हो, उसको कहते हैं नॉन इन्वेसिव। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का अंदर इंसर्ट, बॉडी के अंदर इंसर्ट हमने कुछ भी नहीं किया है। आगे बात समझ में। एक दूसरा होता है इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होता है आपको बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है किसी भी लाइन को और वहां से आर्टेरियल बीपी आपको नापना है, उसको कहते हैं इन्वेसिव मेथड। कि आपने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया, आर्टरी के अंदर इंसर्ट किया उस CVP लाइन, आप उस PMO लाइन को, और आपने क्या किया, वहां से उसका प्रेशर नापा, उसको कहते हैं इन्वेसिव मेथड। आगे बात समझ में। इन्वेसिव मेथड क्या होता है बच्चों, इन्वेसिव मेथड जो होता है वो एक्यूरेट रीडिंग देता है, और जबकि नॉन इन्वेसिव जो मेथड होता है वो नॉन एक्यूरेट रीडिंग देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होती है जितनी कैसी होती है, इन्वेसिव मेथड की होती है। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर नाइट्रोग्लिसरिन का जिक्र किया गया है। अब नाइट्रोग्लिसरिन आप सभी को पता है कि क्या काम करती है। नाइट्रोग्लिसरिन का काम होता है वैसो डायलेशन का काम करती है। ध्यान रखना, समझना इस चीज को कि नाइट्रोग्लिसरिन जो एक दवाई होती है जो कि एमआई के पेशेंट के अंदर दी जाती है, एमआई के पेशेंट के अंदर ऐसा क्या होता है
कि उसको नाइट्रोग्लिसरिन देते हैं, आप खुद ब खुद इस चीज को समझ जाओगे। देखो नाइट्रोग्लिसरिन क्या काम करती है, वैसोडाइलेशन का काम करती है। वैसोडाइलेशन का मतलब ये क्या करेगी, आर्टरी और वेन को क्या काम करने, क्या काम करेगी, ये आर्टरी और वेन को फैलाने का काम करेगी। फैलाने का मतलब चौड़ा करने का काम करेगी, डायलेट करने का काम करेगी। आगे बस इसमें, और जब हमारी वेसल्स क्या होती हैं, डायलेट होती हैं, तो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है मेरे प्यारे लाल लालियों, तो हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, कि आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन की शिकायत आपको देखने को मिल जाती है। इसीलिए क्या काम करती है नाइट्रोग्लिसरिन, ये हमारे प्री प्री लोड को कम करती है, क्या करती है, प्री लोड को डिक्रीज करने का काम करती है, हमारे आफ्टर लोड को डिक्रीज करती है, और हमारे पूरे माइक्रो, जो जितना भी हमारा माइक्रो लोड होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हर्ट का लोड होता है, उसको रिड्यूस करने का काम करती है। हर्ट के लोड को कम करने का काम करती है, मतलब हम कह सकते हैं प्री लोड, आफ्टर लोड और हर्ट के लोड को, ओवरऑल हर्ट के लोड को कम करने का काम कौन सी दवाई करती है, नाइट्रोग्लिसरिन यूज करते हैं। नाइट्रोग्लिसरिन कहाँ पे यूज की जाती है, MI वाले पेशेंट के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के अंदर यूज की जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाते हैं आपके, तो आपको समझना है और फिर उसका आंसर देना है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। तो अब भैया क्या करेंगे, तो आपने देखा कि नाइट्रोग्लिसरिन जब भी हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो बीपी का इश्यू मेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कि बीपी पेशेंट का कम हो जाता है, क्योंकि वैसोडाइलेशन का काम करती है। अब बीपी कम होगा तो बीपी मापना आपको बहुत जरूरी है, कि इस पेशेंट का बीपी क्या है, स्टेबल रहे, कम नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि नॉन एब्सेंस ऑफ नॉन इन्वेजिव, मतलब कि एब्सेंस ऑफ इन्वेजिव आर्टेरियल मॉनिटरिंग लाइन नहीं है, मतलब कि इनविजिव वाली नहीं है, तो आपको क्या करोगे, नॉन इनविजिव वाली अपने पास रखोगे, मतलब कि आपको स्पायरोमीटर, सॉरी स्पिग्नोमैनोमीटर आपको क्या रखना पड़ेगा, पास में रखना पड़ेगा। बीपी मापने का यंत्र होता है, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, स्पिग्नोमैनोमीटर उसको बोला जाता है। आगे बात समझ में, तो इसके अंदर डिफिब्रिलेटर की कोई जरूरत नहीं होगी, पल्स ऑक्सीमीटर की कोई जरूरत नहीं होगी, सेंट्रल वीनस ट्रे इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर की जरूरत होगी। आपको ये इक्विपमेंट अपने पास ही रखना है, ताकि आप पेशेंट का बार बार बीपी चेक कर सकें। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है आज की क्लास का, एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर द कंप्यूटेड ट्रोमोग्राफी। कंप्यूटेड ट्रोमोग्राफी का मतलब होता है सीटी, सीटी स्कैन जब भी हम करवाते हैं, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड ट्रोमोग्राफी, एंड ऑफ द कीज किडनीज, ऑफ द किडनीज टू रूल आउट द रीनल डिजीज, मतलब कि किडनी को रूल आउट किया गया है, कि उसको डिजीज, मतलब कि रीनल डिजीजेस उसको हो सकती हैं, एंड एज एन असेंशियल प्रोसीजर कंपोनेंट, एज एन असेंशियल प्रोसीजर कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट दैट नर्स प्लान टू आस्क द क्लाइंट अबाउट हर हिस्ट्री, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आपको समझना है और तभी उसका आंसर करना है। बहुत इजी सवाल है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर ये सिर्फ पूछा गया है कि आपको क्या करवा रहा है, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे ये करवा रहा है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, कि सीटी वाला पेशेंट है, मतलब कि आपको सीटी स्कैन करवानी है किसी पेशेंट की, उसको रीनल कि जो डिजीजेस है वो रूल आउट करवानी है, रीनल डिजीजेस आपको क्या करवानी है, रूल आउट करवानी है। आगे बस समझ में, जब आप रीनल डिजीज को रूल आउट करवाते हो, सीटी स्कैन करवाते हो, तो सीटी स्कैन के अंदर आप क्या देते हो बच्चों, एक कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर डाई इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जहां पे भी प्रॉब्लम होती है रीनल डिजीज के अंदर, जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, वहां पे डाई चिपक जाती है और वहां पे क्या करती है, ग्लो करने लगती है। जब भी आप एक्सरे की किरणें दोगे तो वहां पे चमकने लगेगी, तो आपको विजुलाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे खराबी है, कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे ट्यूमर है। आगे बात समझ में, तो हमेशा क्या करते हैं कि सबसे, जब भी हम सीटी डालते हैं, सीटी के अंदर हम मोस्टली इस केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट या डाई का यूज करते हैं। और जब भी हम कॉन्ट्रास्ट या डाई का यूज करते हैं, तो पेशेंट से हमेशा पूछते हैं कि आपको एलर्जी तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे एलर्जी नहीं है, तो आपको ये कॉन्ट्रास्ट और डाई क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। अगर कहता है पेशेंट कि मुझे एलर्जी है, तो आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आगे मेरी बात समझ में, सबसे जो चीजें इनके अंदर जो एलर्जीज देखने को मिलती हैं, वो शेलफिश के अंदर देखने को मिलती हैं, शेलफिश और आयोडीन के अंदर देखने को मिलती हैं।
सेलफिश और आयोडीन के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको किस चीज की एलर्जी है, अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ ले कि आपको नर्स से, आप एक नर्स हो, कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन के लिए ले जा रहे हो किसी पेशेंट को, तो आपको क्या करना है, आपको क्या पूछना है कि आपको किसी सेल्फिश या आयोडीन से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है? अगर है तो क्या करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर से बात करनी है। अगर नहीं है तो आप उसको ट्राई या कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो। अब क्वेश्चन के अंदर देखो साफ साफ बताया गया है कि आपको अगर हिस्ट्री के बारे में देखना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एलर्जिक हिस्ट्री को जानोगे। फैमिली रीनल डिजीज, ऐसा कुछ नहीं होता है कि फैमिली में, फैमिली देखो होती सारी चीजें हैं, आनुवंशिक चीजें होती हैं, हेरिडिटरी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे रीनल डिजीज का एक बड़ा पोर्शन हम कह सकते हैं कि वो इंक्लूड नहीं होता है। फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक यूज, आपको बार बार एंटीबायोटिक्स का भी यूज नहीं करना है। लॉन्ग टर्म डायबिटिक थेरेपी बिल्कुल नहीं करनी है। लंबे समय तक अगर डायबिटिक थेरेपी देते हो आप तो पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन, खून की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है। आगे बात समझ में, चलिए। क्वेश्चन नंबर अगला अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द नर्स असिस्ट ए क्लाइंट एंड हु हैड ए रीनल डिसऑर्डर, हु हैड ए रीनल डिसऑर्डर एंड कलेक्ट ए 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। एंड कलेक्ट कर रहा है कि 24 आवर यूरिन का उसको कलेक्शन करना है। बहुत इजी सवाल है, इसकी इजी सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगला समझना है इसको, क्वेश्चन को, कि पहली बात तो ये कि 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन जो हम करते हैं वो किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं, कि आपको प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है कि 24 आवर्स कलेक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटीन के लिए। मेनली हम क्या करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको करवाते हैं 24 आवर्स कलेक्शन को। कि विच डज नर्स इंप्लीमेंट एंश्योर एंड प्रॉपर कलेक्शन ऑफ द 24 आवर स्पेसिमेन। कि आपने एक कंटेनर लिया, आपको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज पहले आपको समझना है, पहले आपको बताया कि 24 आवर्स का जो सिलेक्शन है, हम कह सकते हैं ये जो यूरिन है आपको कैसे कलेक्ट करना है, एक स्टेराइल कंटेनर लेना है, स्टेराइल कंटेनर लेना है, उसके अंदर एक लेबल लगाना है कि किस पेशेंट का है, पेशेंट का नाम आएगा उस लेबल पे, क्या क्या नाम होते हैं मैं आपको बताता हूं। पेशेंट का नेम होता है, पेशेंट का टीसी नंबर या हम कह सकते हैं यूएचआईडी नंबर होता है, ठीक है, और वार्ड का नाम होता है कि सर वार्ड कौन से वार्ड है, और उसके ऊपर महत्वपूर्ण चीज टाइम होता है, कि उसके ऊपर एक टाइम का मैनेजमेंट की एक परत होती है। आपको एक टाइम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप एक टाइम मैनेजमेंट रखते हैं कि हमें क्या करना है, इतने घंटे से हमने स्टार्ट किया था और इतने घंटे पे हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है। आगे बात समझ में। और जब भी आपको कोई ऑर्डर मिलता है कि 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन करना है, तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे कि भाई साहब आप पेशाब कर लीजिए, भाई साहब आप टॉयलेट कर लीजिए, इसके बाद आपका जो यूरिन है हम सेव करेंगे। आपको क्या करना है कि जब भी आपको डॉक्टर बोले या फिर आप जब भी कहाँ जाते हो, अपने मरीज के पास जाते हो 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन करने के लिए, तो आपको उसको बोलना है कि आपको जो टॉयलेट आ रहा है उसको वॉइड करें, और वॉइड करने के बाद आपको नया क्या करना है उसके अंदर भरना है, क्योंकि वो जो यूरिन आपने वॉइड करवाया है पेशेंट से वो काफी देर से, काफी समय से ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए वो पुराना हमारा क्या हो गया है, पुराना हमारा टॉयलेट हो चुका है। इसीलिए हमें क्या करना है बच्चों, क्या करना है हमें बच्चों, कि हमें उसके ऊपर एक लेवल करना है और पहला यूरिन उससे वॉइड करवा देना है और फेंक देना है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा ही बताया गया है, एंड हैव द क्लाइंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ना, हैव द क्लाइंट वॉइड एट स्टार्ट टाइम एंड डिस्कार्ड द स्पेसिमेन। बहुत बढ़िया, कि आपको क्या करना है कि आपने स्टार्टिंग टाइम के अंदर ही उसको स्पेसिमेन को लिया और क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। स्टेन स्पेसिमेन बिफोर द पावरिंग ये नहीं करना है आपको। सेव द ऑल यूरिन बिल्कुल सेव नहीं करना है। हैंड टू हैंड क्या करना है, उसको लैब के अंदर पहुंचाना है। अगर लैब के अंदर नहीं पहुंचा सकते हो तो आपको फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करना होता है, अपने फ्रिज के अंदर आपको क्या रखना होता है, इसको मेंटेन रखना पड़ता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जिसका भी आंसर था वो गलत, पहला जिसका भी आंसर था वो सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
एक आपके पास एक नर्स है, एक नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इज एक्टिव लेवर, एक नर्स है जो कि एक्टिव लेवर की पेशेंट है, एक्टिव लेवर के अंदर जा रही है, एंड विच प्रायोरिटी एक्शन शुड नॉट परफॉर्म टू प्रिवेंट फीटल हार्ट रेट, कि आपको क्या करना है फीटल हार्ट रेट को डी एसिलेशन, दो दो वर्ड होते हैं, डी एसिलेशन होता है, एक होता है एसिलेशन, एसिलेशन, देखो डी एसिलेशन होता है और एक एसिलेशन होता है। डी एसिलेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे की जो हार्ट रेट होती है या फिर हम कह सकते हैं जो FHR होती है वो कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डी एसिलेशन। और अगर हम एसिलेशन की बात करें जो बच्चे की FHR होती है वो बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं, एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, आपको इसके वर्ड के मतलब समझना है कि डेसिलेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, मतलब कि फीटल की हार्ट रेट कैसी हो जाएगी बच्चों, कम रह जाएगी, कैसी रह जाएगी, कम रह जाएगी, और एसिलेशन का मतलब होता है कि बढ़ जाएगी। आगे बात समझ, तो इस पेशेंट के अंदर एक्टिव लेजर का पेशेंट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रिपेयर द क्लाइंट थोड़ा सर्जिकल डिलीवरी की भाई सीजरियन, आप सीजरियन सेक्शन करेंगे आपका और आपको प्रिपेयर रहना है, एंड टू मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट 30 मिनट्स, आपको 30 मिनट से आप चाहे 10 मिनट में नापो, चाहे 30 मिनट में नापो, चाहे 2 घंटे में नापो, चाहे 3 घंटे में नापो, उससे हार्ट रेट कम नहीं होगी, नापने से हार्ट रेट कम नहीं होती है। बहुत बढ़िया, इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन, कि आपको क्या हो रहा है कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, और उस कंडीशन में आपको क्या क्या सूझ रहा है कि आपको क्या सूझ रहा है कि ऑक्सीटोसिन की ड्रिप को बढ़ा दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जब भी पेशेंट के, जब भी हम कह सकते हैं कि जब भी बच्चे की हार्ट रेट जो है वो कम होती है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीटोसिन को कम करना है। अगर आप ऐसा करते हो, ऑक्सीटोसिन को कम कर देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक मोटा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में, एनकरेज अपराइट एंड साइड लाइन पोजिशन, साइड लाइन देखो इंक्रीज नहीं करना है, आपको स्टॉप कर देना है या डिक्रीज कर देना है। जब भी आप डिक्रीज कर देते हो तो क्या कंडीशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है, जब भी आप ऑक्सीटोसिन को डिक्रीज करते हो, तो क्या देखने को मिलता है, यूट्राइन जो कॉन्ट्रेक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यूट्राइन जो कॉन्ट्रेक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज हो जाएगी तो यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है वो कैसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एकदम इंक्रीज हो जाता है, और बच्चे की जो कंडीशन है हम कह सकते हैं वो सही हो जाती है। अब क्वेश्चन लास्ट कहता है कि एनकरेज द अपराइट एंड साइड लाइन पोजिशन, एनकरेज द अपराइट एंड साइड लाइन मैटरनल पोजिशन, आपको क्या करना है कि मदर को बोलना है कि आपको अपराइट या कैसी पोजिशन में रहना है, साइड लाइन पोजिशन में रहना है, ताकि बच्चे को स्पेस मिल सके उसको ग्रो करने में, सांस लेने के अंदर। आगे बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, आपको यही बात समझानी थी, समझ में आ गई होगी, आई होप। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ए नर्स इज एडमिटेड द मैग्नीशियम सल्फेट एंड टू द क्लाइंट विद सीवियर प्रीक्लेम्पसिया। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, अगर आप मेरी OBG की क्लास लेके देखेंगे तो 100% आपको वहां पे चीजें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और किसी भी तरह का कोई डाउट आपको अपने माइंड के अंदर नहीं रहेगा। आगे बात समझ में, सबसे पहली बात, ए नर्स इज एडमिटेड द मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या कर रही है, एडमिशन कर रही है एक नर्स, नर्सिंग ऑफिसर क्या काम कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, एंड क्लाइंट फॉर सीवियर प्रीक्लेम्पसिया, क्लाइंट कैसा है, सीवियर प्रीक्लेम्पसिया, मतलब कि हम कह सकते हैं कि सीवियर प्रीक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं। भाई बीपी तो इंक्रीज हो ही रहा है, बीपी क्या बढ़ जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, और कन्वल्जन्स आपको देखने को मिलते हैं, और जब भी कन्वल्जन्स आपको देखने को मिलते हैं तो हम कौन सी ड्रग देते हैं, MgSO4, कौन सी देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट या MgSO4 हम टेबलेट देते हैं, हाँ इंजेक्शन या टेबलेट हम देते हैं। तो आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन द नर्स क्या करेगी, शेड्यूल्ड डेली अल्ट्रासाउंड टू असिस्ट द फीटल मूवमेंट, कि आपको एक डेली अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, जो कि कैसा होगा, फीटल की मूवमेंट को हम असिस्ट करने के लिए रखेंगे, एंड शेड्यूल्ड फॉर द नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट एवरी
4 आवर, एवरी 4 आवर, एंड असेस द फीटल कंडीशन, वेलबींग या कंडीशन हम बोल सकते हैं, एंड असेसेस द क्लाइंट टेम्परेचर एवरी 2 आवर्स बिकॉज द क्लाइंट इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. मतलब कि उसके क्या करोगे आप कि उसके टेम्परेचर को असेस द टेम्परेचर ऑफ एवरी 2 आवर्स, कि आपको उसका टेम्परेचर क्या करोगे असेस करोगे कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप उसका हर 2 घंटे के अंदर क्या करोगे टेम्परेचर चेक करोगे, बुखार चेक करोगे कहीं उसको बुखार तो नहीं आ रहा है. एंड असेस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द लेवर बिकॉज द क्लाइंट लेवल ऑफ कॉन्सियस में बी अल्टर्ड. मतलब कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जब भी हम देते हैं तो पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस को हमें क्या करना होता है असेस करना होता है. आपको जब भी आप MgSO4 देते हो तो आपको क्या करना होता है कि लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है. लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस का मतलब होता है कि ये अल्टर्ड हो सकता है. आप जब मैग्नीशियम सल्फेट लेते हो तो मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं. अगर आप नहीं लेते हो तो इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा. आगे बसन में, और MgSO4 का क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एंटीडोट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपको बताना है कि कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, इसका एंटीडोट देखा गया है. आगे बात में, कैल्शियम क्लोराइड किसका एंटीडोट है बच्चों, सॉरी कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है मेरे भैया. क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट. आगे बात में, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि आपका मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा, तो आपको बताना है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट देखने को मिलता है. और जब भी आप मैग्नीशियम सल्फेट देते हो तो आपको क्या देखने को मिलती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड देखने को मिल जाता है. आगे बात में, तो ई असेस द साइन एंड सिम्टम्स एंड लेवर बिकॉज द क्लाइंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भी अल्टर्ड. तो आपको यही चीज पे फोकस करना है जब भी आप क्या देते हो मैग्नीशियम देते हो. और इस पे मैग्नीशियम सल्फेट पे मैंने पूरी क्लास ले रखी है, पूरी क्लास के बारे में समझा रखा है कि कौन कौन सी चीज हमें यूज करनी है, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कैसे तरीके से यूज करनी है उस, और कौन कौन से रूट से हम दे सकते हैं और कब कब दे सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है. प्लीज गो एंड वॉच, जाके देखें, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक क्लाइंट विद द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एक क्लाइंट है हमारे पास जो कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ हमारे पास पेशेंट है, उसकी जो ड्रेनिंग है, देखो एक क्लाइंट है जो कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, स्टॉप ड्रेनिंग, मतलब कि ड्रेन जो आप कर रहे हो वो स्टॉप हो गया है, रुक गया है. तो विच शुड नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट एंड टू मेंटेन द क्लाइंट सेफ्टी, मतलब कि क्लाइंट की सेफ्टी के लिए आपको कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, आपको क्लाइंट की सेफ्टी के लिए कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा. देखो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 105 सेंटीमीटर की होती है. कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर 105 सेंटीमीटर की होती है, और जितनी हम इंसर्ट करते हैं वो कितनी सेंटीमीटर आती है कि हम 60 सेंटीमीटर तक इंसर्ट कर देते हैं. आगे बात समझ, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी इसकी बातें होती हैं, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की अलग अलग लेंथ होती है. मैंने पूरी एनजी ट्यूब को आपको पढ़ा रखा है, प्लीज जाके देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेनी है. सबसे पहली चीज की एनजी, आपने किसी भी चीज को आप एनजी के थ्रू दे रहे हो तो आपका जो ड्रेन है वो स्टॉप हो गया है किसी भी कारणवश से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो वेरीफाई द ट्यूब प्लेसमेंट करोगे एंड इंस्टिल 30 से 60 ml ऑफ फ्लूइड एंड क्लैंप द ट्यूब विद द 2 आवर्स एंड रिट्रैक्ट द ट्यूब बाय द 2 इंचेस, कि आपको रिट्रैक्ट करना है हमारी ट्यूब को, या फिर आपको वेरीफाई करना है प्लेसमेंट को, आपको इंस्टिल करना है फ्लूइड को. आप सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, एक कॉमन सेंस वाला आपको एक आइडिया लगाना है. आप एक पेशेंट है, आपके पास एक पेशेंट है, और पेशेंट के अंदर क्या क्या डली हुई है, एनजी ट्यूब डली हुई है. और जब आप एनजी ट्यूब से पेशेंट को फीड करवा रहे हो, और फीड जो है वो कैसी हो रही है,
आगे जा ही नहीं पा रही है, आगे जा ही नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, बिना पूछे आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करके उसका प्लेसमेंट चेक करना है। और प्लेसमेंट चेक करने का मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है? चेस्ट एक्सरे। आगे बात समझ में, कि सबसे पहले अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे तो आपको आंसर करना है क्या, कि एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, इफेक्टिव मेथड कौन सा है, तो आपको चेस्ट एक्सरे बताना है। आगे बात समझ में, होते तो बहुत सारे हैं, आप उसका बाउल मेथड का भी यूज कर सकते हो। बाउल मेथड मतलब कि एक उसके अंदर डिप करवा के भी आप देख सकते हो, सिरिंज से भी, आप स्टेटोस्कोप से भी सुन सकते हो। स्टेटोस्कोप जो होता है वो क्या करता है, डॉक्टर ऑस्कल्टेट करता है कि आपकी जो ट्यूब डाली है वो सही लोकेशन पे है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे बात समझ में, देखो कभी भी इंस्टील नहीं करना होता है, 30 से 60 ml फ्लूड को आपको इंस्टील करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा। अगर आपने गलत प्लेसमेंट पे वो चीज डाली हुई है और वो गलत चीजें गलत हमारा जो फ्लूड है वो चला गया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, तुरंत के तुरंत वेरीफाई करना है कि आपका जो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो सही है या नहीं है। आगे बात समझ में, क्लैंप आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्लैंप द ट्यूब विद 2 आवर्स। ये आपको अगर क्लैंप करते हो तो आपको रीगर्जिटेशन के चांसेस देखने को मिलते हैं। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि आपको एस्पिरेशन के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं और रीगर्जिटेशन के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। एक ट्यूब है जो कि आपकी नाक के अंदर से आपके स्टमक के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, उस ट्यूब का ढक्कन आपने लगा दिया है, आप उसको नेगेटिव प्रेशर की तरह देख रहे हो, क्लैंप नहीं करना है। अगर आप क्लैंप करते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज देखने को मिलता है। और ब्लॉकेज के कारण क्या हो सकता है भाई, ब्लॉकेज अगर हो गया तो ब्लॉकेज के कारण क्या हो सकता है, वो चीजें बदतर हो सकती हैं, मतलब कि अच्छी नहीं होंगी। रिट्रैक्ट द ट्यूब, रिट्रैक्ट नहीं करेंगे। आगे वास्तव में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्लाइंट, मजा आ रहा है नहीं आ रहा सभी को, सभी को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारे नंबर है सपोर्टिव नंबर, इसके आप कॉल करें, मैसेज करें, आपका हर क्वेरी को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आपको इस नंबर पे कॉल मैसेज करना है, ताकि आपके किसी भी सिचुएशन में और किसी भी आपका जो अमाउंट है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाएगा, उस तरीके से आपको बताया जाएगा। आगे बात समझ में, एक क्लाइंट रिसीविंग क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक क्लाइंट रिसीविंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक क्लाइंट क्या रिसीव कर रहा है, पेरेंटल न्यूट्रिशन को रिसीव कर रहा है। पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब आप समझते हो, पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, समझे, टीपीएन की यहाँ पे बात कर रही है। टीपीएन का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब इसको देने के लिए कैसा होता है बच्चों, ये हाइपर टॉनिक सोल्यूशन होता है। कैसा होता है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इसको हम कैसे देते हैं, सीबीपी लाइन के थ्रू देते हैं, इसको हम आईबी लाइन से नहीं दे सकते हैं। आगे बात समझ में, अगर आप आईबी लाइन से देते हो तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, फ्लेवाइटिस आपको देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लेवाइटिस देखने को मिल जाता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसका। आप सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक क्लाइंट जो है वो रिसीव कर रहा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बाय द सेंट्रल वीनस लाइन, सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू क्या कर रहा है, वो उस चीज को रिसीव कर रहा है, इज अ शेड्यूल्ड रिसीव एंड इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, मतलब कि उसी टाइम पे उसको क्या देनी है, एंटीबायोटिक देनी है। एंड विच शुड नर्स इंप्लीमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द एंटीबायोटिक, कि आपको एंटीबायोटिक देने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, टर्न ऑफ द, आपको क्या करना है, टर्न ऑफ कर देना है कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो भी जा रहा है उसको बंद करके, और आप उसको क्या कर दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। एंड चेक द कॉम्प्लिएंसी विद द पीएन, कि आपको कॉम्पिटिविटी आपको देखनी है। एंड एंश्योर द सेपरेट आईबी असिस्पोर्ट, कि आपको क्या करना है कि सेपरेट आईबी असिस्पोर्ट को ढूंढना है, कि आपको क्या करना है कि उसको सेपरेट कर देना है, फ्लश द सीवी विद द नॉर्मल सलाइन। देखो सबसे पहली बात मुझे जो अच्छी लगी है वो थर्ड नंबर की अच्छी लगी है, कि आपको अपना क्या करना है, एक सेपरेट आईवी लाइन को ढूंढना है और उसी से आपको क्या देना है, एंटीबायोटिक्स देनी है। आप अगर ऐसा करते हो, अगर आप क्या करते हो,
कि टीपीएन वाली लाइन के अंदर ही आप क्या कर देते हो, उस लाइन को, उस चीज को, उस वीडियो को आप जोड़ देते हो। समझे, अगर आप उस लाइन को, एंटीबायोटिक्स को आप जोड़ देते हो, अगर आप उस टीपीएन के साथ, या फिर हम कह सकते हैं जिस पोर्ट से टीपीएन जा रहा है उसी से आपने एंटीबायोटिक की ड्रिप को जोड़ दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं, क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं, और क्या हो सकता है, क्रिस्टल से ब्लॉकेज भी आपको देखने को मिल सकता है। भैया क्रिस्टल से आपको ब्लॉकेज भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली उस चीजों को संभालना है और उस चीजों को देखना है। आगे बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंड हु हैज बीन पैक्ड, हु हैज बीन प्लेस्ड इन द बॉक्स सेक्शन, बॉक्स एक्सटेंशन के लिए प्लेस्ड है, एंड द नर्स प्रोवाइड द काउंटर ट्रैक्शन। नर्स क्या कर रही है, काउंटर ट्रैक्शन को प्रोवाइड करवा रही है, एंड नर्स इज टू रिड्यूस द शेयर एंड फ्रिक्शन, कि आपको शेयर मतलब कि घर्षण से बचाना है, उसको रगड़ लगने से बचाना है, किसी भी तरह का उसके अंदर घाव नहीं बनना चाहिए, उस कंडीशंस के अंदर आपको बातें करनी है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, बक्स ट्रैक्शन की बात कर रहा है। बक्स ट्रैक्शन कहाँ लगाया जाता है, हमारे लेग्स के अंदर लगाया जाता है, जो हमारे पैर हैं, दोनों पैरों के अंदर बक्स ट्रैक्शन लगाया जाता है, और क्या करता है, काउंटर ट्रैक्शन की तरफ से एक रस्सी लगा के उसको क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है वेट के साथ। आगे बात समझ में, अब इसके अंदर क्या करना है कि यूजिंग द फुटवर्ड, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इसके अंदर कि आपको फुटवर्ड फुटवर्ड का यूज करना है, एंड प्रोवाइडिंग एन ओवर साइज टैप ओवरहेड ट्रेपीज की आपको क्या करना है, ओवरहेड ट्रेपीज का यूज करना है, स्लाइटली एलिवेटिंग द फूड फ्रॉम द बेड एंड स्लाइटली एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड। आपको फूड को ऐड करना है, फूड को अबव करना है, या हेड को अबव करना है। देखो सबसे पहली बात, आपको फुटबोर्ड का कोई काम नहीं है यहाँ पे। फुटबोर्ड जो होता है वो स्पाइनल स्पाइनल वाले पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है। फुटबोर्ड की बात कर रहे हैं कि फुट ड्रॉप वाले प्रिवेंट फुट फुटबोर्ड का यूज किया जाता है फुट ड्रॉप वाले पेशेंट के अंदर, कि फुट ड्रॉप वाले पेशेंट के अंदर क्या है, देखो ये हमारा पंजा है, आप फुट ड्रॉप ऐसे ना हो जाए, फुट ड्रॉप ना हो जाए, फुट ड्रॉप ना हो जाए, इसीलिए हम फुट बोर्ड का यूज करते हैं फुट ड्रॉप वाले पेशेंट के अंदर। अब आपको क्या करना है कि स्लाइटली एलिवेटिंग द फुट ऑफ द बेड, कि आपको पैरों को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करके रखना है, आपको दो तकिए लगा के रखने हैं ताकि आपको फ्रिक्शन और चेयर से बचाया जा सके। आगे बात में, कभी भी हेड को ऊपर नहीं करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, पैरों को ही एलिवेट करके रखना होता है। आगे बात में, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको होता है यहाँ तक की क्लास के अंदर, तो आप बेझिझक हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई क्वारी होती है तो आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हैं। आगे बात में, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें भी और आपको भी मोटिवेट होने का मौका मिले, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।